नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th का। तो ये चलिए, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। और ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी 2023 में आ चुका है, हो सकता है रिपीट कर दे। तो चलिए देख लेते हैं। सेवा में जिलाधीश, जो क्योंकि जिलाधीश को हमें लिखना है तो यहाँ पे जिलाधीश लिख सकते हैं और महोदय भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके नीचे कहाँ के जिलाधीश है वो लिखना है, तो आप कहीं का भी नाम लिख सकते हैं। विषय यहाँ पे लिखना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र, ऐसा प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। फिर महोदय सभी ने निवेदन है कि माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि कक्षा 12वीं की परीक्षा या फिर 10वीं की परीक्षा नजदीक आ रही है, हमारी परीक्षाएं नजदीक आ रही है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर हमारी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये लाउड स्पीकर सार्वजनिक स्थानों पर भी बड़ी मात्रा में बहुत तेज आवाज में मानसिक संतुलन को भी अशांत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना है, कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं। अतः छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतीक्षा काल के संबंध में परीक्षा काल के टाइम पे की अवधि तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्देश एवं आदेश देने का कष्ट करें। तो यहाँ पे दिनांक लिखना है, उसके बाद भवदीय मतलब आपका जो भी लिख सकते हैं नागरिक या फिर अपना जो भी अब करके नाम लिख सकते हैं, अगर कोई नाम दिया हो तो वहाँ पे नाम भी मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रार्थना पत्र ये कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी आपकी हेल्प करने की। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।